सोनभद्र में चौपन थाना क्षेत्र अंतर्गत डाला खनन क्षेत्र में आज आसमानी बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जब यह हादसा हुआ तो उस समय खदान में ब्लास्टिंग बम तैयार किए जा रहे थे और कई मजदूरों से तार बिछाने का कार्य भी करवाया जा रहा था, जो मजदूरों के जान के साथ खिलवाड़ है। मृतक खदान का ब्लास्टर बताया जा रहा है। इधर युवक की अचानक मौत की खबर सुनकर परिजन बेसुध हो गए और आनंद फानंद में जिला अस्पताल पहुंचे, जहां युवक का सब पोस्टमार्टम के लिए रखा गया था। परिजनों की भारी भीड़ पोस्टमार्टम हाउस पर जुट गई। मृतक के परिजनों का कहना था कि जब पूरे देश को तूफान को देखते हुए अलर्ट किया गया था तो प्रशासन ने ब्लास्टिंग कैसे करने दिया, जबकि कल से ही मौसम खराब है। परिजन कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पुलिस को तहरीर देने की बात कर रहे हैं। इधर घटना के बाद जिले के जिम्मेदार डीएम और एसपी ने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। आपको बता दें कि चौपन थाना क्षेत्र के डाला स्टेंडरिंग की 3 नंबर खदान में यह हादसा हुआ था। घटना के बाद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पुलिस विभाग के सीओ ने भी कुछ भी कहने से मना कर दिया। ये मेरा भतीजा है, नंदलाल यादव जी का नाम है। घटना ये बिल्ली मार्ग में 3 नंबर खदान में जो इंटेंडिंग के चल रही है उसमें जो है माइनिंग मेट का कार्य करता था, लेकिन हम लोग सूचना बड़ी देर से मिली। कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे ब्लास्टिंग फंसी हुई थी, चेक करा था आकाशीय बिजली या किस वजह से ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से कि मौत खदान में ही हो गई थी। लेकिन हम लोग काफ़ी देर में हम लोगों को जिला अस्पताल में पता चला कि उसकी जहना की मौत हो गई, हम जिला अस्पताल आए हैं। क्या किसी और के भी घायल होने की सूचना है? कुछ लोगों ने बताया कि मजदूर भी घायल हुआ, लेकिन हम लोगों से संपर्क नहीं हो पाया उसका। कोई कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए कि जब मौसम विभाग की चेतावनी इसके बाद खदान मालिक संचालक द्वारा ब्लास्टिंग कराई जाए, जबकि ये वैधानिक चेतावनी है, पूरे देश में चल रहा है कि आकाशीय गरज चक्र से खतरा है, पूरे देश में अलर्ट चल रहा था, ऐसे में इन लोगों को खदान का जब ब्लास्टिंग कार्य ठप करवा देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है खदान संचालकों की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। अभी तुरंत हम लोग आए हैं, पुलिस कार्रवाई के लिए जो है सूचना दे दी गई है, तहरीर अभी दी जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।